हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जीरो में। साथियों, ये हमारी साइंस की क्लासेज और यहाँ पर हम करते हैं अरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 20 तारीख यानी 20 सितंबर 2018 के पेपर का सॉल्यूशन। क्लियर? तो आप लोग को भी क्या करना है, हमारे साथ साथ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और उसका आंसर देने की कोशिश करना। आंसर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो लीजिए, आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में, आपके स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है नीचे, तो आपको ये बताना कि हाइड्रोकार्बन के दहन के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है, CH4 ले लेते हैं। ठीक है, मीथेन हमने ले लिया, CH4 लिया, और इसको जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, दहन किया, तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा CO2 बनाएगा प्लस में वाटर बनाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रो को जब हम दहन करते हैं तो क्या बनता है, हमें क्या प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लिटमस बिलियन डैश निष्कर्षित किया जाता है। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि जो लिटमस बिलियन होता है ये किससे मिलकर बना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है पेटूनिया, ठीक है, उसके बाद हाइड्रेजिया, जी रेनियम या फिर लाइकेन। तो चार ऑप्शन आपके पास है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा, देखिए, जब जो लिटमस बिलियन है ना, ये लाइकेन से मिलकर बना होता है, लाइकेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, लिटमस एसिड को क्या करता है, लिटमस पत्र जो होता है या लिटमस बिलियन जो है वो एसिड को, अम्ल को नीले से लाल कर देता है और बेस को यानी कि अक्षारक को ये लाल से ब्लू कर देता है। क्लियर? और जो ये लिटमस है ना, जो लाइकन है, सॉरी, लाइकन जो है ये थैलोफाइटा से बना होता है। थैलोफाइटा क्या होता है, ये मिक्सचर होता है शैवाल और कवक का। क्या होता है, जो लाइकन है, लाइकन जो आप देख रहे हैं इसमें, ये किससे मिलकर बना होता है, ये थैलोफाइटा से बना होता है, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा क्या होता है, ये कवक, कवक शैवाल और कवक का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए ना, जितने भी शिफ्ट में हुए, सभी में फिजिक्स में से न्यूमेरिकल पूछेगा। और न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेंगे आपको, या तो पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा या फिर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा या फिर दोनों का योग के बारे में पूछेगा, या तो डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आता है, मतलब हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आया है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है या फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो आप इसमें देखते रहिए कितने न्यूमेरिकल आते हैं, और इसी फील्ड से आएंगे सारे, एनर्जी के फील्ड से हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा गया कि देखिए, कहता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, क्या होता है, क्या होता है भाई, MgH होता है। क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना आपका, वो होता है एम, मतलब द्रव्यमान, एम जी और एच। ठीक है, एम क्या है, द्रव्यमान है आपका, द्रव्यमान है, जी आपको पता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, और एच हाइट है। ठीक है, हाइट है, यानी कि हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है ना, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए हमने इस पैन को यहाँ पर उठा के रखा हुआ है, ये धरती से जितनी हाइट होगी वो तो इसकी हाइट, और इस जो इसका मास होगा, ठीक है, वो, और जी तो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, तो इस सभी को हम मिला देंगे ना, तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगा, इसके अंदर जो एनर्जी अब्जोर है ना, स्टोर है, वो हमें निकाल लेंगे यहाँ से। तो ऐसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में धवनी की गति क्या होती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी क्या, तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके पास 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है,
दूसरा है 346 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 300 मीटर पर सेकेंड और चौथा है 360 मीटर पर सेकेंड। यानी कि चार ऑप्शन आपके पास, आपको ये बताना है कि वायु में, यानी वायु में 25 डिग्री सेल्सियस पे जो ध्वनि की साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वे कितनी होती है, ठीक है, यानी गति कितनी होती है, ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे जो है ना इसका आंसर 330 देंगे, क्योंकि वायु में उन्होंने पढ़ा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन उसके आसपास है ये, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर 330 देंगे, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि जो आप दे रहे हैं ना आंसर 330 मीटर पर सेकेंड, ये यानी 332 मीटर पर सेकेंड जो है ना ध्वनि की गति वायु में, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी स्पीड में ग्रो करता है, ठीक है। यानी कि आप 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर देखेंगे ना जो साउंड की स्पीड होगी, साउंड की जो गति होगी 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो होगी, वो कितनी होगी, वो होगी 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 346 मीटर पर सेकेंड। यानी जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्या होंगे 346 मीटर पर सेकेंड। और 300 देखिए, अगर 20 डिग्री की बात करें ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है साउंड की गति 342 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और 0 डिग्री पर तो आपको पता ही है, हमने बता ही दिया कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, क्लियर। चलिए आगे आगे देखिए, देखिए हाँ, खालिस्तान मिश्र धातु में टीन होता है, चार ऑप्शन आपके पास, आपको ये बताना कि इन चारों में से किस मिश्र धातु में टीन इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये अल्यूमेल होता है, अल्यूमेल, या फिर सोल्डर, या स्टील, या पीतल। तो चार ऑप्शन आपके पास है, तो बताइए क्या होता है। तो देखिए आप क्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा या हमने पढ़ा है, अगर आप लोगों ने हमसे पढ़ा होगा तो जरूर आता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कहीं भी पढ़े होंगे ना, तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या होगा, जो टीन होता है, टीन ऐसे है ना, यानी टीन इसका एक मिश्र धातु होता है, क्या, सोल्डर, सोल्डर जो टीन, टीन और किसका मिलकर बना होता है, टीन और लैड का बना होता है, ठीक है, टीन और लैड का मिलकर बना होता है सोल्डर, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी सोल्डर, बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आपको इसके मतलब ये जो यहाँ पे पीतल दिया हुआ ना, पीतल किससे बना होता है, ये कॉपर और जिंक, जिंक से मिलकर बना होता है, और एक होता है कांस्य जिसको आप ब्रॉन्ज भी कहते हैं, ये बना होता है कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, क्लियर। चलिए आगे आगे क्या कहता है, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड के प्रोपेगेशन के दौरान, ठीक है, जो क्या होगी वो रीजन जिसमें क्या होती है पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो कहाँ होगी पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, जब साउंड प्रोपेगेशन करेंगे तो कहाँ होती है, जहाँ पे कंप्रेशन ज्यादा होता है, जहाँ पे दबाव ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है ना, यानी कि ऑसिलेशन पहला ऑप्शन है, बी दूसरा है रेयर फ्रैक्शन, या फिर रेजोनेशन, या फिर कंप्रेशन, जहाँ पे कंप्रेशन या जहाँ पे दबाव ज्यादा होता है ना वहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होती है, तो कंप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कंप्रेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है, यानी कि फिर न्यूमेरिकल, मैंने कहा ना आप बस काउंट रहिए, काउंट करते रहिए कितने न्यूमेरिकल आए हैं, कितने न्यूमेरिकल आते हैं और कितने आएंगे, ठीक है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। और सभी न्यूमेरिकल जो है ना इसी के आसपास है, या एनर्जी के आसपास ही है, या तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा आपसे, या पोटेंशियल एनर्जी से पूछेगा, या फिर मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी से पूछेगा, या फिर आपको या फिर यहाँ से पूछ लेता पावर क्या होता है, यानी कि शक्ति, ठीक है, तो यहाँ से ही न्यूमेरिकल आते हैं, और देखिए कितने न्यूमेरिकल आते हैं, आप देखते रहिए बस। तो देखिए क्या कहता है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वा बल द्वारा किया गया कार्य होगा। प्रश्न को पढ़ लिया, तो आगे देखिए,
यहाँ पे जो कहता है ना, वो कहता है कि 10 मीटर सॉरी, एक द्रव्यमान है, एक मास है, ठीक है, जिसका भार यहाँ पे दिया गया है कितना है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान इसका दिया गया है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है जिसको उठाया गया है कितने मीटर तक, 10 मीटर तक। एज कितना है, 10 मीटर, ठीक है। और ये कहता है जी जो है ना, जी 9.8 है, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है, 9.8। तो आप कहता है कि जो गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा ना उससे वस्तु पर, वो कितना होगा। तो आपको पता है कि जब नीचे से हम कोई वस्तु को उठाएंगे ना तो उस पर जी लगेगा, जी लगता है ना, वो जी लगता है नीचे की तरफ लगता है, और वस्तु को हम उठाए ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो जी हो जाएगा ना आपका, वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि हम वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं और जी नीचे लग रहा है, तो यानी कि रिवर्स डायरेक्शन लग रहा है ना, तो यहाँ पे जो जी होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, स्थितिज ऊर्जा आती है, अभी हमने बताया आपको। तो जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी ना वो हो जाएगी -GH, और m कितना 1 किलोग्राम है माइनस, और g कितना 9.8 है, और h 10 है, तो ये आपका हो जाएगा -9 जूल, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है, ठीक है, और इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार को दक्षता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कार की एफिशिएंसी बताऊं, ठीक है, अगर कार 2000 जूल उत्पादन करती है, और ठीक है क्या करती है, 2000 जूल 2000 जूल का उपयोग करती है, ठीक है, उपयोग करती है, और इसका उत्पादन 500 जूल करती है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है, नीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आउटपुट, आउटपुट बटे में इनपुट, ये होता है एफिशिएंसी। यानी कि इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि मान लीजिए किसी को हमने कुछ एनर्जी दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने फैन है, जैसे फैन है पंखा है ना, पंखा को हमने जितना करंट दिया उसमें, ठीक है, और जितने का उसने इस्तेमाल किया, जितना उसने दिया, जितने हमने दिया उसमें इनपुट में हमने डाला, और जितना का उसने काम किया, ठीक है, आउटपुट दिया, तो यही हो गया, ठीक है, यही इनका रेशियो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। तो कितना उसने काम किया और कितना हमने उसमें दिया, ठीक है, तो हमने कितना दिया उसमें, हमने दिया 2000, ठीक है, उपयोग करता 2000 जूल कार, और उत्पादन कितना करता है, प्रोडक्ट कितना बनाता है, वो 500 का बनाता है। तो ये आपको यहां से देख रहे हैं कि 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, और 1/4 कितना होता है, कितने परसेंट होता है, 25% होता है, तो यहां से जो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 25% हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, चलिए आगे, हाँ एक और प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि द एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज आर कॉल्ड। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, क्या कहता है इसमें, ये कहता है कि एक एलिमेंट है जिसके ना एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है, बट उसके जो एटॉमिक नंबर वो समान है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये है कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, मान लीजिए 6 है, ठीक है, और इसके जो है एटॉमिक द्रव्यमान 12 है, फिर यही सी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास जो है 14 है, तो इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, जब एटॉमिक नंबर, जब परमाणु संख्या समान हो और उसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समस्थानिक, यानी आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स होता है ये, कि जब परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, क्या ये बताने का सवाल है, क्या क्या उसमें बताने लायक है कुछ भी, बिल्कुल नहीं, आपको दिख रहा है क्या इसमें तत्व नहीं आया है, यानी तत्व में नहीं आता, क्या आता है,
वाटर यानी पानी जो है तत्व में नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है। जी की एसआई यूनिट पूछा गया है, जी गुरुत्वीय जी की, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एफ होता है ना वो जी जी इंटू M1 M2 होता है, यानी क्या है गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय फोर्स है ये, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और नीचे क्या आता है आर स्क्वायर आता है। हमें क्या निकालना है, जी निकालना, जी की इकाई निकालनी है। तो यहां से हम क्या निकालते, देखिए इसको मैं इधर लेके जाऊंगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, एफ गुना में आर का स्क्वायर और M1 M2, ठीक है। तो एफ की जो ऐसे यूनिट होती है फोर्स की कितनी होती है, वो न्यूटन होता है कि नहीं होता है, और आर का क्या होगा, आर का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे हम यानी किलोग्राम, मास की तो किलोग्राम होगी ना, और किलोग्राम 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम का स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ है, न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर, नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम का स्क्वायर, तो हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड, यानी कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी जो रिप्रोडक्शन है ना जिनमें ज्यादातर विभिन्नता आती है, तो किन में आती है, किन में आती है, उसमें सेक्सुअल में आती है या रीजनरेशन में आता है या बाइनरी फ्यूजन में आता है या एक्सेक्सुअल में आता है, एसेक्सुअल में होता है, तो किस में आता है, यह आता है सेक्सुअल में आता है, ठीक है। सेक्सुअल में क्या आता है, सबसे ज्यादा विभिन्नता आती है, क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि सेक्सुअल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पार्श्वायन की समान गति से चल रही है, ठीक है। तो इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या होगा, देख रहे हैं ना ये कौन सा न्यूमेरिकल है, ये हो गया तीसरा न्यूमेरिकल। इस शिफ्ट में, एक शिफ्ट में इतने न्यूमेरिकल और वो भी एक ही एरिया से पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, देखिए मान ले क्या कहता प्रश्न, कहता है कि एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है जिसमें एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ये मान लेते कुछ भी, और जो इसकी त्रिज्या है ना इस वृत्त की त्रिज्या मेरे ख्याल से 20 दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है ना, क्या मैं सही हूँ, हाँ 20 मीटर दिया हुआ त्रिज्या, और कहता है कि जो इसकी वेलोसिटी है इस पार्टिकल की कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, जो वी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे टाइम पूछा गया, हमसे टाइम पूछा गया, तो टाइम निकालना हमें, ठीक है, टाइम निकालना ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है, 20 मीटर त्रिज्या है इसकी वृत्त की, ठीक है, आर हमारे पास से 20 मीटर आ गया, ठीक है, और इसका जो वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है, क्या होता है परिधि, अगर पैरामीटर की बात करूं तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से 2 पाई आर निकालूं, ये तो हो गया हमारे डिस्टेंस, हो गया कि नहीं, हो गया डिस्टेंस, और इसको मैं अगर बी से डिवाइड कर दूं यानी कि डिस्टेंस को जब मैं गति से यानी कि जब यार दूरी को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, समय ही आता है ना, तो हमने दूरी को ने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी 4 कितनी इसकी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये 2 पाई को हम ऐसे रखने रहने देते हैं, ठीक है, आर कितना 20 है और 4 से क्या, तो ये आ गया 5 यानी कि 10 पाई आपका जो है आंसर हो जाएगा, देख लिया आप लोग है ना। अगला प्रश्न कहता है कि खालिस्तान तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। हमने देखिए हमने धातु पढ़ा है कि जो तरल अवस्था में जो धातु होता है ना वो पारा होता है, पता है ना। अब यहाँ पे पूछा गया कि उस धातु का नाम बता, उस अधातु का नाम बताइए जो तरल अवस्था में होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या हीलियम होता है या फिर कैल्शियम या पारा या ब्रोमीन। तो देखिए पारा और कैल्शियम तो धातु है, मेटल है, बच गया हीलियम ब्रोमीन, हीलियम तो गैस ही है ये तो हमें पता है, और अब क्या बचेगा यानी ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रोमीन ऐसी एक धातु है जो लिक्विड अवस्था लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है, तरल अवस्था में रहता है,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होता है, मतलब हमारे पेट में कौन कौन से एसिड उत्पन्न होता है। क्या आप लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है? बिल्कुल होता है ना। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी होता है, अमाशियम होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद एसिटिक अम्ल, ये भी होता है। तो बच गया क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारे पेट के अंदर उत्पन्न नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है कि पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो कितनी बार मैंने बताया है, और हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न आया है, चाहे फ्लोएम हो, चाहे आपका वो जाइलम हो, चाहे वो सेक्लेनकाइमा हो, चाहे कोलेनकाइमा हो, यहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। जितने भी हमने शिफ्ट के प्रश्न यहाँ पे किए हैं साइंस के, बायो के, मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आया, या तो फ्लोएम के आया है, या फिर जाइलम के आया है, या फिर सेक्लेरन कायमा या कोलेन कायमा, यहाँ से ही प्रश्न पूछा गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, भोजन का परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम करता है ना। फ्लोएम क्या, एक स्थायी स्थायी ऊतक है पौधे का, ठीक है, स्थायी कठोर ऊतक है, तो जो भोजन का परिवहन करता है। इसके बाद एक होता है जाइलम, जो जल का परिवहन करता है। क्लियर। तो यहां से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो, यानी कि हो जाएगा भोजन, बी, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है, कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, यानी कि आप ये कहता है कि आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है नीचे, ठीक है, और ये कहता है कि अगर कार्य धनात्मक है तो इनमें से कौन सा निकाय है जिसपे कार्य होगा। अगर क्या, कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, कार्य धनात्मक होना चाहिए तो किस पे होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है उसका मान शून्य होगा। बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। इसके बाद नियत रहेगा, अगर नियत रहेगा, फोर्स फोर्स नियत रहेगा तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसमें तो कार्य होगा ही नहीं, विस्थापन तो होगा नहीं, है ना, तो इसमें भी नहीं होगा। यानी थर्ड कहता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, और चौथा कहता है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा का हानि होगा तो उसमें तो कार्य धनात्मक होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है, यानी कि ऊर्जा में क्या होगी, लगातार वृद्धि होगी। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि एक करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज मेंटेन इन ए रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर इन 1 मिनट्स। आपसे चार्ज पूछा गया है, 1 मिनट में उस परिपथ में से कितने चार्ज फ्लो होंगे। क्या क्या दिया हुआ है आपके, आपको दिया गया है करंट, करंट कितना है, यानी धारा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा है। यहाँ पर रेजिस्टर भी दिया गया है, रेजिस्टर यानी प्रतिरोध भी दिया गया है, प्रतिरोध का यहाँ पर कोई काम नहीं है, बस आप क्या लीजिए यहाँ पे टाइम लीजिए, टाइम कितना है, टाइम आपको दिया गया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो आप निकाल सकते क्या चार्ज है। करंट क्या होता है, क्या ओवर टाइम टी होता है, और क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, आई टी होगा, आई गुना में टी, आई कितना 2 एम्पियर है, और टी कितना है, ये 120 120 कूलम। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं। कीजिए, आपके पास ऑप्शन है और प्रश्न भी है, प्रश्न को पढ़िए और ऑप्शन ऑप्शन में से चूज करिए कि आपका आंसर कौन सा होगा इसमें से। तो क्या होता है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मादा युग्मक। मादा युग्मक जो है भ्रूण के लिए खाना प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के प्रश्न, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, और आपको ये भी बताना कि आपने इनमें से कितने प्रश्न को सही सही से हल किया, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।